तमाम सवालों और विवाद के अरसे बाद आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फिर इस मुद्दे को हवा दे दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। जी हां, इस मुद्दे पर बॉलीवुड पर एक फिल्म भी बन चुकी है इस मुद्दे को क्लियर करते हुए, लेकिन कमलनाथ ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक वह है जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1971 में की थी। सीएम कमलनाथ आज अपने निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा में है, वहां एक गौशाला के लोकांतरण के दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात छेड़ दी थी। कमलनाथ ने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ, कहां हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, ये भी सवाल उठाए कमलनाथ ने। सिर्फ मुंह से कह देने भर से काम नहीं चलेगा, उन्होंने कहा हम सर्जिकल स्ट्राइक पर शक नहीं कर रहे, लेकिन पीएम देश की जनता को तो इस बारे में बता ही सकते हैं। सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कहा कि पीएम किसी भी सभा या रैली में किसान और रोजगार की बात नहीं करते, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है ये तो सबको पता है। उन्होंने उंगली उठाई कि पीएम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन एक भी स्वतंत्रता सेनानी बीजेपी में नहीं है। जनता अब बीजेपी को समझ गई है, इसीलिए अब उसे गुमराह नहीं किया जा सकता है।